गुड आफ्टरनून एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे और अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल अनअकैडमी यूपी एग्जाम में, जहाँ पे आज हम लोग का चलिए डिस्कस करेंगे रीजनिंग वाला टॉपिक जो है काउंटिंग फिगर्स चल रहा था। तो काउंटिंग फिगर्स में आज का जो हमारा टॉपिक है वो रेक्टेंगल और स्ट्रेट लाइन का है। ठीक है, मैं आपको जो भी मटेरियल प्रोवाइड करूंगा एक एक क्रम बाय क्रम होगा। ऐसा नहीं है कि काउंटिंग फिगर मैंने आज यहाँ पे करा दिया, पता चले 10 दिन बाद फिर से मैं काउंटिंग फिगर्स ही पढ़ाऊंगा, नहीं। जो हमारा टॉपिक है आपको एकदम फ्लो में मिलेगा, एक प्ले लिस्ट आपके पास जनरेट होके आ जाएगी, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं अपने कोई भी एग्जाम्स में। जैसा कि आपको पता है जो SSC CGL का भी फॉर्म आ चुका है, अगर आप डालना चाहते हैं तो SSC CGL का भी फॉर्म डाल दीजिए। कई सारी वैकेंसीज आई हुई हैं और जो लोग आ रहे हैं या आ गए हैं, इस लिंक को कॉपी करिए और शेयर करिए। आप जो भी सोशल मीडिया साइट फॉलो करते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप हुआ, फेसबुक हुआ, टेलीग्राम है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे ऐड करिएगा कि हमारा एक फैमिली टाइप की बन जाए। क्योंकि हम लोग को पता है कि डेली 1 बजे हमारी क्लासेस होती है, तो 1 बजे मुझे मकसद यही है कि 50-100 बच्चा चाहिए ही चाहिए है, कैसे भी करके आप लोग भी करिए कि आप लोगों का भी एक ग्रुप बन जाए कि यहाँ पे लोगों से बातचीत भी होने लगे और अपना एग्जाम भी क्लियर करिए। मैथ्स हो या रीजनिंग हो, यहाँ पे मजे के साथ ही चला जाता है, क्लास को मजे के साथ ही सॉल्व किया जाता है। चलिए स्टार्ट करने से पहले मैं आपका सभी का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ हमारे इंडिया के नंबर वन और इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे अनअकैडमी, जहाँ पे आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेके यू कैन गेट एक्सेस टू अनलिमिटेड लाइव लेक्चर्स। जितने भी लाइव लेक्चर्स हैं सभी को आप एक्सेस कर सकते हैं, रिकॉर्डेड कोर्सेस भी देख सकते हैं जो कि इंडिया के बेस्ट एडुकेटर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, आपको हेल्प करेगा आपका एग्जाम क्रैक करने में, चाहे वो UPSC हो या UPSSC हो, अन्य कई सारे एग्जाम्स भी। अगर हम लोग प्लस के बारे में बात करते हैं तो प्लस पे मेरा एक कोर्स चल रहा है, यू कैन फॉलो मी ऑन दैट थिंग ऑल्सो। प्लस पे मेरा कोर्स है कंप्लीट कोर्स ऑन इंडियन इकोनॉमिक्स, कंप्लीट कोर्स है इंडियन इकोनॉमिक्स पे। यहाँ पे आपको स्टैटिक पोर्शन भी मिलेगा प्लस करेंट पोर्शन भी आपको कवर किया जाएगा। स्टैटिक प्लस करंट के अलावा भी आपको MCQs भी दिए जाएंगे और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको तैयार कराया जाएगा। जहां पे मेरा अभी टॉपिक जो चल रहा है वो एग्रीकल्चर है, 2 टॉपिक बचे हुए हैं कंप्लीट को, इस इकोनॉमिक्स को कंप्लीट होने के लिए एग्रीकल्चर, उसके बाद एक हमारा जो फिजिकल फ्रेमवर्क है इसको कंप्लीट किया जाएगा। इन 2 टॉपिक में काफी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिएगा। मेरा 9 PM आज मेरा जो सेशन है इसको कंडक्ट किया जाएगा, 9 PM आज इसकी क्लास होगी 2nd Jan को हमारी इसकी क्लास होगी। उसके बाद अल्टरनेट डेज आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि 4 Jan, 4th Jan एंड सो ऑन। आप उसको देखिएगा कब क्लासेस है हमारी, स्टैटिक करंट और MCQ। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग का एक नया बैच स्टार्ट हुआ है स्पेशली फॉर UPTET और SuperTET। UPTET और SuperTET को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि इसी महीने इसी का एक बैच लॉन्च कर दिया जाए UPTET और SuperTET के लिए, जहां पे हमारे साथ रणधीर सर भी होंगे और मनोज त्रिपाठी सर भी होंगे। मिलके आइए, मिलके साथ में क्रैक करते हैं, सरकारी नौकरी भी पाते हैं, सरकारी टीचर बनना हुआ आसान, ये हमारा एक टैगलाइन है आप लोगों के लिए। प्रोवाइड ना छोटे प्रोवाइड करूंगा, आप लोगों ने अगर मेरा लेक्चर नहीं देखा हुआ है, जो भी मैं मैथमेटिक्स कराता हूं तो उस लेक्चर को जरूर देखिएगा, जहां पे हम लोग अभी संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के बारे में बात चल रहा है स्टार्ट कर दिए हैं। तो आज तो शुक्रवार है, एक आज ही हमारा सेशन आएगा, जहां पे आप देख सकते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, यहाँ पे हम लोगों ने ये निकाला हुआ है किस तरीके से यूनिट डिजिट्स को फाइंड किया जाता है, यूनिट डिजिट और पावर को निकालना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉप सेशन है। अगर आपने इस सेशन को देखना चाहते हैं तो मेरा पिछले वाला सेशन जरूर देखिएगा, बुधवार का, तभी आपको ये सेशन समझ में आएगा। मूव ऑन करते हैं अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के क्या क्या फायदे होते हैं, फायदे की थोड़े बात कर लेते हैं। अनअकैडमी का अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको डेली लाइव क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस में आप एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं, एंगेज हो सकते हैं, डिस्कशन में अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हैं।
डेली लाइव क्लासेस, कोई भी लैंग्वेज बैरियर नहीं है, नो लैंग्वेज बैरियर। जिस लैंग्वेज में आप पढ़ना चाहें उस लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हैं, प्लस आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी दी गई है, प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलता है स्टार्टिंग फ्रॉम प्री से लेके इंटरव्यू तक, एंड यहाँ पे प्रॉपर स्ट्रक्चर कोर्स आपको मिलेगा जो कि इन लाइन विद योर एग्जाम सिलेबस, आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम क्रैक करने में, जो हमारे रेगुलर मॉक टेस्ट होंगे। रेगुलर मॉक टेस्ट या फिर क्विजेस के बेस्ड पे यू कैन ऑल्सो इवेल्युएट योर ओन प्रिपरेशन, प्लस डिटेल एनालिसिस भी दी जाती है आपके परफॉर्मेंस की। अगर हम लोग अनअकैडमी का सबसे बेस्ट फायदा देखें, सबसे बेस्ट जो सब्सक्रिप्शन का फायदा मिलता है वो ये है कि एक सब्सक्रिप्शन से आप अनलिमिटेड एक्सेस को देख सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस में जीएस की तैयारी आप कर सकते हैं, एसए की तैयारी कर सकते हैं, इथिक्स की तैयारी आप कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज भी इसी में इंक्लूडेड है, आंसर राइटिंग भी इसी में इंक्लूडेड है, सी सेट इसमें इंक्लूडेड है ऑप्शनल, और हमारा अगर जितने भी यूपीस के जो भी एग्जाम्स हैं सारे के सारे आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। एक सब्सक्रिप्शन लेना है यूपी पीएससी या यूपी ट्रिपल एससी का, उसी के अंतर्गत सब कुछ इंक्लूडेड है। अगर प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करते हैं तो सब्सक्रिप्शन में आप अगर रेफरल कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है, हर एक रेफरल कोड पे 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होते हैं एक मंथ का भी है, 3 मंथ का है, 6 मंथ का है, 12 महीने का भी है सब्सक्रिप्शन, जो भी आप लेना चाहते हो सब्सक्रिप्शन उठा सकते हैं। और अगर हम लोग सब्सक्रिप्शन के बारे में थोड़ा बात किया जाए तो ये सब्सक्रिप्शन जो है 7,000 का है, 12 महीने आपको सजेस्ट करूंगा, या तो 12 महीने वाला लीजिए, 7,000 का है, 7,000 आपको पे नहीं करना है। कब नहीं करना है? जब आप रेफरल कोड यूज करेंगे। इनमें से कोई भी रेफरल कोड आप यूज कर लीजिएगा, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ये कोर्स आपको पड़ जाएगा 6,300 का, 6,300 ओनली, 6,300 में आपको ये कोर्स मिलेगा 12 महीने का। अगर आप 2 साल का लेते हैं, 24 महीने का है, तो हमारा 8,400, लेकिन अगेन 8,400 आपको नहीं पे करना पड़ेगा। अगर आप रेफरल कोड यूज करते हैं, रेफरल कोड सुवेंद्र10 एंड सुवेंद्र SC, तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। 10% ऑफ मिलते ही कोर्स पड़ जाएगा 7,560 का, एंड देन यू कैन प्रोसीड। देखिए, अभी हम लोगों ने प्लस पे बारे में बात किया, थोड़ा स्पेशल के बारे में भी बात कर लेते हैं। स्पेशल क्लास अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया हुआ है अनअकैडमी पे, देन आप फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको मेरी नेक्स्ट क्लास की इन्फॉर्मेशन प्लस मेरी जो भी लेक्चर्स है उनकी PDF आप डाउनलोड कर पाएंगे। ये स्पेशल क्लास का मैं टाइमिंग बता रहा हूँ, मैं सुबह 7 बजे 7 AM करंट अफेयर्स को कराता हूँ, करंट अफेयर्स के साथ ही में क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं हम लोग, और 3:30 PM जो हमारा है सेशन, यहाँ पे हम लोग स्पेशली फॉर GS पेपर 2, जो GS पेपर 2 है और पेपर 3, इससे रिलेटेड टॉपिक को कंप्लीट किया जाता है हमारे इस सेशन में, 3:30 and 7 o'clock। इसके अलावा भी कई और सेशन कंडक्ट किए जा सकते हैं, तो उसके लिए फॉलो कर सकते हैं आप मुझे स्पेशल क्लास की। ये टाइमिंग है, ये है, और यहाँ पे मैं अनअकैडमी के यूपी एग्जाम में 1 बजे आता हूँ रीजनिंग वाला लेके, और 8 बजे आता हूँ मैथमेटिक्स को पढ़ाते। रीजनिंग हमारा मंडे टू सैटरडे चलता है, एंड मैथमेटिक्स से हमारा मंडे वेंसडे एंड फ्राइडे, और सैटरडे को हमारा मैराथन क्लास, सैटरडे को हम लोग मैराथन क्लास को कंडक्ट करते हैं। एंड दिस इज ऑल अबाउट मी, आप थोड़ा टाइम स्पेंड कर लीजिए इस पे, वीडियो पॉज करके स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम लोग 2 टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा, एक रेक्टेंगल, दूसरा है स्ट्रेट लाइन। बहुत ही आसान सा है रेक्टेंगल को समझने के लिए, हम लोग बेसिक से देखते हैं। अगर अपन को रेक्टेंगल समझना, अगर मैं आपको ये बोला गया है कि सपोज ये हमारा कोई फिगर है, ये हमारा कोई फिगर है, यहाँ पे टाइप नहीं देखेंगे, ये हमारा कोई फिगर है, अब आपको बताना है कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल इसमें कितना होगा। नंबर ऑफ रेक्टेंगल,
नंबर ऑफ रेक्टेंगल अगर फाइंड करने के लिए आता है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले नॉर्मल तरीके से देख लिया जाता है, फिर मैं आपको ट्रिक बताता हूं। तो उसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, आप 1, 2, 3, 4 एक बड़ा वाला, 5 तो ये हो गया, ठीक 5। अब ये भी तो देखिए, एक ये भी है, 6, 7, 1, 8, 1, 9 प्लस 4, यही है ना हमारे रेक्टेंगल। तो हमारे क्या हो जाएंगे, 5, 4, 9, नाइन हो गया। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, ऐसे तो ये क्वेश्चन तो बहुत लंबा है, तो नॉर्मल ही पूछा गया है, अगर कोई क्वेश्चन बड़ा आ जाता है तो उसका सॉल्व करने का क्या तरीका है। जब इतने छोटे से में आपके 9 आए हुए हैं, तो मैं अगर आपको ये दे देता हूं, अगर मैंने आपको ये दे दिया तो आप मुझे बताइएगा कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स होंगे, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इस केस में कितना होगा। अब आप उसमें काउंट करने बैठेंगे थोड़ी ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, इस तरह से सॉल्व करने बैठेंगे तो हमारे आ गए आंसर और अपना एक ही क्वेश्चन लिख के आ जाएंगे अपने एग्जाम में। तो उसके लिए क्या तरीका है, क्या ट्रिक है, तो ट्रिक के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्रिक नंबर 1, वही अपन को करना है जो अपन लोगों ने स्क्वायर के केस में किया हुआ था। तो अपन को क्या करेंगे, मैं ये और ये दोनों ही केसेस में आपको समझाऊंगा। 1, 2, 3, 1, 2, 3 मैंने नंबर लिख लिए, ठीक। अब मैंने इसको भी देख लिया, यहां पे कर दिया 1, ये मेरा 2, ये मेरा 1 हो गया, ये 2, दोनों में 2 2 है, इसका यहां पे क्या करेंगे, 2 + 1 = 3, 2 + 1 = 3, जो ये नंबर आया हुआ है और जो ये नंबर है रोज इनटू कॉलम। ट्रिक यही है कि सम ऑफ द रोज मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ द कॉलम, सम ऑफ द कॉलम। रोज का सम क्या आया हुआ है हमारा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर क्या है, 9 है या नहीं है, बराबर है या नहीं है, 9 और 9। यहां पे कोई भी मेथड आप अपना सकते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन दिया है आपकी स्क्रीन पे, आपको ये बताना है इसका क्या आंसर होगा ये क्वेश्चन। अब मैं इसका क्या सम हो जाएंगे, 3, 2, 5, 6, 6 ये आ गया, सेम यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, 6 और 6, मैं क्या करूंगा, 6 × 6, आंसर मेरा क्या आ जाएगा, 36। कोई डाउट नहीं है तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए फिर, और शेयर जरूर करते रहिए अपने दोस्तों में। ये ट्रिक हर में अप्लाई होगा, इसका मतलब ऐसा नहीं है हम लोगों ने वहां पे देखा था नंबर ऑफ रोज बराबर होंगे नंबर ऑफ कॉलम तभी, ना ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको वो भी देखना है तो हम लोग थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं, उस वाला केस भी देख लेते हैं, व्हेन नंबर ऑफ रोज जो है वो डिफरेंट होंगी नंबर ऑफ कॉलम से, नंबर ऑफ रोज आर डिफरेंट देन नंबर ऑफ कॉलम, उस केस में क्या होगा, अब आप वो भी देख लीजिए। देखिए जो भी पढ़ाऊंगा एकदम सटीक पढ़ाऊंगा और एग्जाम में आने वाला ही पढ़ाऊंगा, बस थोड़ी आपको मेहनत करनी है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, हमारे साथ लेक्चर नहीं अटेंड करेंगे, तो फिर वो मुश्किल पड़ जाता है, देखिए हर चीज कह पाना। ये क्या है, 1, 2, 3, 1,
टू थ्री फोर रोज एंड कॉलम, ये याद रखिएगा क्योंकि कई ऐसे केसेस बनेंगे जहां पे हम लोगों को रोज की वैल्यू मैं आपको फिर से पूछूंगा। इस केस में आपको बताना है नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, नंबर ऑफ रेक्टेंगल कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते जाइए और वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए। जो लोग नए आ रहे हैं उस बार लाइक जरूर ठोकते रहिए। नंबर ऑफ रेक्टेंगल, नंबर ऑफ रेक्टेंगल के बारे में यहां पे डिस्कस किया जाएगा। क्या है नंबर ऑफ रेक्टेंगल? वही सम ऑफ रोज क्या हो जाएगा, मैं अगर इसको सम करता हूं, सम ऑफ द रोज क्या मेरे आएंगे, इसका सम तीन दो पांच एक छह यहां पे आ गया, और तीन दो पांच एक छह और प्लस चार दस, टेन इंटू सिक्स आंसर है हमारा 60। बात वही है, 10 इंटू सिक्स आंसर इज 60, हमारा 10 है, सॉरी दिस इज 10 इंटू सिक्स आंसर इज 60 इज द करेक्ट आंसर। नंबर ऑफ रेक्टेंगल, कोई डाउट? डाउट नहीं तो एक बार लाइक जरूर ठोक दीजिए, लाइक में कभी कमी नहीं होनी चाहिए, लाइक में कभी कमी नहीं होनी चाहिए। एक और केसेस हम लोग देख लेते हैं, अगर हमारा इस टाइप का दे दिया गया है, ये देखिए अगर अपना इस टाइप में अगर आंसर वो दे दिया जाता है तब अपन को ये बताना है कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने होंगे। एक दो तीन, एक दो तीन, तीन आ गया, चलो ये तो बहुत इजी मैंने पूछ लिया, इसको एक और ऐड कर देता हूं। इस टाइप का अगर मेरे पास आ गया है तो मैं क्या करूंगा, वही बात वन टू थ्री, तो रोज इसमें क्या है, एक ही है, सम ऑफ रोज क्या हो जाएगा, योग, रोज का योग क्या है, एक है, क्योंकि एक ही तो दिया हुआ है, और सम ऑफ कॉलम इज इक्वल टू थ्री फोर फाइव सिक्स, थ्री प्लस टू प्लस वन, ये कॉलम ही है ना, तो फॉर्मूला क्या है, सिक्स इंटू वन आंसर इज सिक्स। सोचने की बात ही नहीं है, एक्स्ट्रा चीज आपको नेक्स्ट चीज आपको नहीं बताऊंगा सोचने के लिए। उम्मीद करता हूं यह बात आपको समझ में आ गई होगी, तो मूव ऑन करें। आप एग्जाम में अगर आता है, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन होने आएंगे, बेसिक्स ही है सब कुछ, बेसिक्स से हम लोग पढ़ेंगे और जो भी पढ़ेंगे एकदम सटीक पढ़ेंगे। जैसे कि हमारा ये दे दिया गया है, रेक्टेंगल आपको फाइंड करना है, रेक्टेंगल आपको बताना है नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन दिस फिगर, कितने रेक्टेंगल्स होंगे इस फिगर में, नंबर ऑफ रेक्टेंगल इज दिस फिगर, इतने इस फिगर में कितने रेक्टेंगल होंगे ये आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा नंबर ऑफ रेक्टेंगल इन दिस फिगर, नंबर ऑफ रेक्टेंगल। एक होमवर्क के लिए मैं इसी में क्वेश्चन दूंगा, आपको बताना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो और रोज क्या है, रोज तो वन ही है, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स, ये तो हमारा दस हो गया, दस और ग्यारह कितना हो गया, टेन प्लस इलेवन इज ट्वेंटी वन, 21 हमारा करेक्ट आंसर है। होमवर्क के लिए आपको ये अगेन मैंने इसमें डाल दिया गया है, दिस इज फॉर योर होमवर्क, होमवर्क या फिर मतलब ये है, कमेंट बॉक्स में आप आंसर बता दीजिए नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इसमें कितने होंगे, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इसमें कितना होगा। देखिए रोज का हम लोगों ने रोज, अब इसमें क्या हो जाएगा, रोज का सम आ जाएगा वन टू, वही सेम अप्लाई करना है,
तो रोज का सम क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 21, आंसर हमारे क्या हो जाएंगे 63 इज द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं, अब ये वर्ड पूछने लगे सर ये 63 आया कितना, आप मुझे समझा बताइएगा कैसे आएंगे हमारी 63 रेक्टेंगल्स, तो बताना बहुत ही मुश्किल पड़ जाता है। मैं आपको शुरू में पहले ही बता दिया है किस तरीके से, जैसा अगर आपको यहां समझना है यहाँ पे ये 6 कैसे आया हुआ है, तो 1, 2, 3 तो ये हो गया, 1, 4, 1, 5 और 1 पूरा 6। अब आप देखिए यहां से मैं आपको समझा दिया तो ये वाला क्वेश्चन तो आप आराम से समझ सकते हैं। मूव ऑन करें अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर क्या होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि मैंने ये ले लिया है एक डायग्राम, ठीक, यहां पे क्या किया, एक और ले लिया है, अब आपको बताना है नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, इस केस में नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स क्या होंगे, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितना होगा इस केस में, इसका भी सोच के बताइए। मैं एक दूसरा एग्जांपल भी दे देता हूं, उसको भी आपको बताना है। नंबर ऑफ रेक्टेंगल इसमें भी आपको बताना है। एक और मैं आपको दूंगा आने वाले में स्लाइड में, अब आप बताइएगा क्या है, किस तरीके से हम लोग नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ रेक्टेंगल का निकालने का एक ही तरीका है, जैसा कि मैं आपको बोला 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो लोग क्या करेंगे 5, 4, 3, 2, चलिए यहाँ पे 2 आ गया। एक और लेट मी जस्ट डिवाइड, इसको एक बार और डिवाइड कर देते हैं, अब आप बताइएगा, ये हमारा 2 हो गया, ये हमारे जो 2 हो जाएंगे, ये 1। इस केस में बताइएगा किस तरह से सॉल्व करेंगे। मैं आपको ये दे देता हूं, ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आपको ये बताइएगा किस तरीके से होगा। चलिए आपको फॉर्मूला लिख देता हूं, ये आपको बता देता हूं किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। हम लोग क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4, ये कितना हो गया इसका योग, और यहाँ पे 4 + 3 + 2 + 1 इसका कितना हो गया, ये 10 हो गया, इसका भी 10, तो ऐड कर देंगे 20। लेकिन 20 अपना आंसर नहीं है, आंसर क्यों नहीं है 20, क्योंकि हम लोगों ने ये 4 को 2 बार कंसिडर किया हुआ है, इस 4 को अपन ने 2 बार कंसीडर्ड किया हुआ है, ये 2 बार आया, इसलिए हम लोग इसमें से 1 माइनस कर दिया जाएगा, 19 जो है वो अपना करेक्ट आंसर है, 19 जो है अपना करेक्ट आंसर है। अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम हो रही है इस क्वेश्चन में, तो हम लोग क्या करेंगे, चलिए कमेंट बॉक्स में आपने अभी तक दिया नहीं है,
केस में क्या करेंगे कि इस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 तो ये कितना हो गया 21, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 ये भी हमारा 21 आ गया है। अब देखिएगा यहाँ पे जितने ज्वाइंट होते हैं उस ज्वाइंट को हम लोगों को इलिमिनेट कर दिया पड़ता है, जैसे एक ज्वाइंट यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे इलिमिनेट कर दिया गया है। अब मुझे ये पता करना है इस वाले केस में 1 2 3 4 ये पड़ा हुआ है, इसमें देखेंगे कितना हो जाएगा 10। अब इन दोनों का केस में देखते हैं, ये तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम पड़ जाएगा कितना है 4 तो ये है और 3, 10 × 3 = 30, 1 + 2 + 3 + 4 and 2 + 1 = 3, 30 तो ये हमारा इसका केस बन गया। अब इसमें से आपको कितना रिमूव करना है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वन ज्वाइंट यहाँ पे है, वन ज्वाइंट यहाँ पे है, वन ज्वाइंट यहाँ पे, एक तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। हम लोगों ने यहाँ पे कंसीडर किया था दो बार इसको, एक तो यहाँ पे भी इसको, तो इसको दो बार रिमूव किया जाएगा। आप वो देख के कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, अगली जो हमारा क्वेश्चंस वाला सेशन होगा वहां पे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कमेंट बॉक्स में आंसर आने चाहिए तभी हम लोग डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन आपके लिए और है, जैसे कि हमारा ये बन गया, बताइएगा क्या आंसर होना चाहिए। नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, बस वही ट्रिक वही लगानी है अपन को और कुछ नहीं है, सेम मैं बस थोड़ा प्रैक्टिस करा रहा हूं आप लोगों के लिए, वही सेम ट्रिक है और एक दो क्वेश्चन देने ही पड़ते हैं। 1 2 3 4 तो इसका तो मेरा 10 आ गया, 1 2 3 4 इसका भी मेरा 10 आ गया, 10 + 10 1 2 3 4 इसका भी 10 आ गया, तो 10 + 10 + 10 आंसर वो जो होगा वो 30 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक यहाँ पे ज्वाइंट है और एक यहाँ पे ज्वाइंट है, इन दोनों ज्वाइंट को हम लोग माइनस कर देंगे, 30 - 2 कर देंगे, आंसर जो होगा 28, दैट इज द करेक्ट आंसर। 28 जो है इसका जो है वो 28 है हमारा नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। अगला स्ट्रेट लाइन का देखते हैं, स्ट्रेट लाइन का बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्ट्रेट लाइन वाला कॉन्सेप्ट। स्ट्रेट लाइन को अगर समझना है, जैसे कि मैं आपको देता हूं, अब अपन को ये बताना है नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसमें कितनी होंगी नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसमें कितना होगा नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्या होगा क्या नहीं होगा आपको बताना है। ये देखिए इसको नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करना है, तो हमारे नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे फाइंड होगा, 1 2 3 टोटल कितनी हो गई है, 3 हो गई है, 1 2 3 4 कितनी हो गई है, 4 हो गई है। लेकिन लेकिन अगर हमारे पास कोई बड़ा सा क्वेश्चन आया हुआ है जहां पे अपन लोगों को ये बताना है कि नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन वहां पे कितनी होंगी, फॉर एग्जाम्पल दिस इज जस्ट, अब इसको नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन का निकालने के लिए क्या ट्रिक है, अगर हमारे पास एग्जाम में ये आ जाता है, जैसे कि ट्रिक यहाँ पे आपको पहले ट्रिक समझाऊंगा साइड में, क्या एक ही ट्रिक है पूरे में अप्लाई कर होती है, ट्रिक को हम लोग साइड में देखेंगे। अब यहाँ पे ऐसा डायग्राम मिल जाता है, सपोज मैं आपको बेसिक्स से ही समझाऊंगा, अपन को ये डायग्राम मिल जाता है नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन,
नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन। इस डायग्राम में नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितनी होंगी? नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितनी होंगी, कैसे फाइंड किया जाएगा? एक ट्रिक है, वो बस आपको फॉलो करना है और कुछ नहीं, हमारा ये सॉल्यूशन आराम से निकल जाएगा। आप लोगों को तीन चीज फाइंड करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब होता है ये वाली लाइन। सेकेंड इज वर्टिकल लाइन का मतलब क्या होता है, ये वाली लाइन। थर्ड वन इज स्लैंट लाइन का मतलब ये लाइन इस टाइप की जो लाइन है वो सारी हमारी स्लैंट लाइन हो जाएंगी। एक, दो, तीन, इन सब का जो भी हो जाएगा नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालना है। नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन का क्या फॉर्मूला है, 1 + 2 + 3। अब ये 1 + 2 + 3 क्या है, यही जो मैंने लिखे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को ऐड करना, वर्टिकल लाइन को और स्लेंट लाइन को ऐड करना है। एग्जाम्पल के तौर पे ये एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, इसको आपको सॉल्व करना है। एक चीज याद रखिएगा, जहां पे भी आप लेते हैं कोई बेस बना लीजिए, बेस से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मैंने ये ले लिया, और कोई होता है कि आप ये मत करिए कि इतना ही अपन ने लिया, नहीं, कहीं पे भी लाइन स्टार्ट होती है उसका एंड पॉइंट तक देखिएगा, एंड पॉइंट ये है। कोई भी स्लेंट लाइन स्टार्ट होती है, ये स्टार्ट हुई है, इसका एंड पॉइंट हमारा ये है, ये पूरा का पूरा एक स्लेंट लाइन होगी, ये पूरा एक स्लेंट लाइन होगी। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, हॉरिजॉन्टल 1, 2, 3, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन 3 हो गया। पेन चेंज कर देता हूं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन अगर 3 है, एंड हम लोग बात करते हैं वर्टिकल लाइन की, वर्टिकल लाइन कितनी हो गई है, 1, 2, 3 वर्टिकल लाइन है, 3 मेरे पास वर्टिकल लाइन हो गई। ठीक, अब मैं और चेंज कर देता हूं कलर। नंबर ऑफ स्लेंट लाइन कितनी है, स्लेंट लाइन जैसे मैं आपको बोला था यहां से स्टार्ट होती है यहाँ पे अंत तक देखनी है इस पूरी लाइन को, ऐसा नहीं कि आपने ये बोला कि एक हम लोग ये ले लेते हैं और एक दूसरी ये ले, नहीं ऐसा नहीं, पूरा का पूरा हम लोग लिया जाएगा। तो स्लेंट लाइन कितनी है, 1 है और 2 स्लेंट लाइन है, इनको एड कर दीजिए, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन विल बी 3 + 3 6 और 2 8 हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी, एक बार लाइक जरूर ठोक दीजिए, फिर लाइक में कमी नहीं होने चाहिए। अगला मैं आपसे एग्जांपल पूछता हूं, आपको मुझे बताना है क्या आंसर रहेगा हमारा उसका। एग्जांपल नंबर वन आपकी स्क्रीन पे ये बनाया जा रहा है, आप उसका आंसर बताइएगा। नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको बताना है क्या होंगी नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसमें डायग्राम बन जाने दीजिए, फिर आप बताते रहिएगा आराम से नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन। मैं आपको डायग्राम कई सारे पूछूंगा जो आपको बताना है, जिसका आंसर देना है। नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, इस पूरे डायग्राम में आपको बताना है नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितनी होंगी। एक और हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक और मैंने एग्जाम्पल लिया नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे, एक किस टाइप का डायग्राम बन जाता है अपना, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको बताना है, पहले वाले में क्या रहेगा और दूसरे वाले में नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है। जल्द से जल्द आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए, आंसर आ जाना चाहिए लोगों का कमेंट बॉक्स में, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन।
नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको बताना है, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन। मैं तो डिस्कस करूंगा, यही करूंगा, लेकिन आप भी बताइएगा क्या आंसर होना चाहिए इसमें, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई मैं कर देता हूं आप लोगों के लिए, एक और मैंने मॉडिफाई कर दिया गया है इसमें। नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन इसमें इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तीन चीज आपको फाइंड करना, उनको एडिशन करना। हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल, अब देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन एक तो ये है, मैं इसको हाईलाइट करता रह रहा हूं, आप भी देख लीजिए पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन है, और तो कुछ नहीं है ना, नहीं और कोई नहीं है, हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी दो हो गई है। ठीक, अब मैं दोनों को ही क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। नहीं, आप वो वाला करते रहिए जब तक। हॉरिजॉन्टल लाइन हम पर ने ले ली, अब आती है अपनी वर्टिकल लाइन, एक दो तीन चार। मैंने यहां पे अगर जो इसको यहां से ज्वाइन किया होता तो हम लोग ये पूरा कंसीडर करते, लेकिन इसको अलग से ज्वाइन किया है इसलिए मैं इसको क्या करूंगा, ये पांच हो गई है वर्टिकल लाइन मेरी, हो गई है पांच, क्लियर। अब मैं क्या करूंगा, एक स्लेंट लाइन मुझे चाहिए है, स्लेंट लाइन, स्लेंट लाइन अपन को चाहिए। तो स्लेंट लाइन क्या हो जाएगी, एक तो अपनी ये हो गई एक, फिर नहीं है, फिर दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, ये छह, और दो तो ये भी है, सॉरी सात आठ। तो स्लेंट कितनी हो गई, आठ। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आठ दो दस पांच पंद्रह, इसका आंसर है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, इसमें आपको इतना सोचने की जरूरत भी नहीं है, आंसर जल्द से जल्द आप लेके आइए। अगर मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, हॉरिजॉन्टल एक तो ये है पूरा, यहां से स्टार्ट है यहां पे एक, दूसरा हमारा ये यहां से स्टार्ट है, ये पूरा ये थोड़ा टेढ़ा मुटेढ़ा बन गया, हॉरिजॉन्टल ही लाइन इसको कंसीडर करिए, ये दो हो गई, और तीसरी हमारी क्या है, यहां से तीसरी अपनी ये हो गई है। नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, तीन है। अब वर्टिकल लाइन के बारे में बात कर लेते हैं, वर्टिकल लाइन तो एक तो ये मेरी हो गई, दो तीन, तीन मेरी वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन मेरी तीन है। अब क्या बचा है अपना, अपन ये ले लेते हैं कौन सी स्लेंट लाइन, एक ये है जो क्रॉस बना रही है, ये दो है, एक ये तीन, ये चार। स्लेंट लाइन मेरी कितनी है, चार, तीन तीन छह चार दस, आंसर। डायग्राम जितना डायग्राम भयानक दिखता है उतनी कम ही स्ट्रेट लाइन उसमें मिलती है। मैं आपको एक एक चीज समझाया हूं तो आपको समझ में आया हो तो एक बार लाइक जरूर ठोक दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को, जितना ज्यादा शेयर हो उतना सही है। और अगर आपने मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो नहीं किया हुआ है तो अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आपको मेरी नेक्स्ट क्लास की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, प्लस आप मेरे लेक्चर्स की भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आपको बताना है नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन। एग्जाम्पल, चलिए होमवर्क तो नहीं है, अभी इसको सॉल्व करिए।
नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको ये बताना है, ये आपके सामने एग्जांपल है, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन। नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगा ये जल्द से जल्द आप लोग बताइएगा, इसका आंसर क्या होना चाहिए नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन का। वही बात जो हम लोग सॉल्व करते आए, हॉरिजॉन्टल लाइन देखेंगे, वर्टिकल लाइन देखेंगे, स्लैंट लाइन देखेंगे। हॉरिजॉन्टल क्या क्या है, एक दो तीन एक चार, चार मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। वर्टिकल लाइन क्या है, एक दो और ये पूरा तीन है, ये पूरा ही है, आप ऊपर तक लेके जाइएगा तीन, उसको डिवाइड मत करिएगा, तीन वर्टिकल लाइन। स्लेंट लाइन एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, बारह स्लेंट लाइन हो गई। अब ये क्या हो गया, चार तीन सात और बारह उन्नीस, उन्नीस हमारा आंसर हो गया है। उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आया हो, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा, अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाली क्लास की इन्फॉर्मेशन तब मिलेगी जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑल टुमारो अगेन। ओके, कल जी हम लोग मिलते हैं, वैसे तीन तारीख को कोई क्लास नहीं होगी, तो आप सुबह आपको मंडे को मिला जाएगा, चार तारीख को हम लोग मिलते हैं। दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू वेरी मच। आज आप लेसन अटेंड करना मत भूलिएगा, 8 बजे वाला, जहाँ पे हम लोग मैथ्स में यूनिट डिजिट को निकालना सीखेंगे और पावर देखेंगे किस तरीके से पावर को सॉल्व किया जाता है। दैट्स इट, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।